न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी को सर्वसम्मति से एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। कल यानी 23 मार्च को सीएम धामी अपने कैबिनेट के साथ परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताजपोशी में संत भी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए शामिल होंगे। संतों के लिए साल 2017 के शपथ ग्रहण समारोह की तरह अलग से मंच बनाया जा रहा है और इसके अलावा विधायकों के लिए भी अलग मंच बनाने के लिए जिला प्रशासन और पूरे तंत्र की टीम कार्य में जुटी हुई है। मंत्रिमंडल की बात करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के अलावा 11 अन्य मंत्री शामिल होंगे। इसमें कुछ वो नाम भी शामिल हैं जो सीएम की रेस से बाहर हुए तो कैबिनेट में आ सकते हैं। हालांकि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी माना जा रहा है कि कुछ पुराने चेहरों के अनुभव के साथ ही कुछ नए ऊर्जावान चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। पुरानी सरकार के हिसाब से मंत्रियों की 3 कुर्सियां तो खाली हैं और बीजेपी पिछली सरकार के 2 मंत्रियों की छुट्टी कर सकती है। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में अब मंत्रिमंडल को लेकर कयासबाजी का दौर भी तेज हो गया है और पिछली सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और यशपाल आर्य की कुर्सी तो सीधे तौर पर खाली है। इसी मामले पर तमाम गेस्ट के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तराखंड में 11 नए मंत्री जो है उन पर मंथन जारी है और लगातार पार्टी में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर डीएस कुंवर जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, विजेंद्र रावत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और सत्यवीर चौहान प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी चौहान साहब, फिलहाल जिस तरीके से लगातार मंथन जारी है और मंथन के साथ साथ 11 अन्य मंत्री जो है वो कैबिनेट में हिस्सा लेंगे, कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं? आपकी जिज्ञासा हो सकती है और होनी भी चाहिए। कल आपको परेड ग्राउंड में वो सब नजारा देखने को मिलेगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन किस तरह की कैबिनेट बनेगी और उत्तराखंड के जनमानस को भी ये देखने को मिलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रचंड बहुमत हमको मिला है उस प्रकार की हम एक अच्छी कैबिनेट ही बनाएंगे और जनता के हम बहुत आभारी है जिस प्रकार से उन्होंने हमें फिर से चुना है और उनकी जन आकांक्षाओं को उतरना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मोदी जी की जो जल कल्याणकारी नीतियां हैं उसको प्रदेश में लागू कराना और जनमानस तक पहुंचाना ये हमारे लिए मुख्य आधार रहेगा। जिस आकांक्षाओं के साथ उन्होंने हमें यहाँ पर फिर से स्थापित किया है और हमें जिस प्रकार से हमें यहाँ पर वोट परसेंटेज भी हमारा 35 विधानसभा में इस बार बढ़ा है और 8 महिलाओं में से 6 महिलाएं हमारे बीजेपी में हैं, उस प्रकार से भी हम मातृशक्ति के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनका भी इस कैबिनेट में एक अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। और इस जो आपको देखने को मिलेगा कि जिस हमारी जो पूरी एक परेड ग्राउंड में जिस प्रकार से जनता को ये दिखेगी कि जनता की सरकार है, इसमें हमने साधु संतों को भी, आंदोलनकारियों को भी और टैक्सी यूनियनों को भी और अनेक समाज सेवियों को भी इसमें भी हमने बुलाया है। और दूसरा ये है कि केंद्र से जो हमारे नेता आएंगे उसमें मुख्यतः से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अभी वर्तमान के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और आप हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आएंगे और उसमें आपको पूर्ण रूप से उत्तराखंड के 5 साल में किस दिशा में और दशा में जाएगा और यहाँ की जन आकांक्षा किस प्रकार से होगी पूरी होगी वो आपको परेड ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा,
मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं माताओं ने हमें बढ़ चढ़कर वोट किया है, तो जिस प्रकार से हमने पिछले 5 सालों में उनके लिए जनहित ऐसी कार्य किए हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी अब हमें उस और तीव्र गति से करेंगे। ठीक है, ठीक है डीएस कुंवर जी, आपके पास मैं फिलहाल आना चाहूंगी। जिस तरीके से सीएम के लिए नाम पर लगातार मंथन जारी था और उसके बाद एक बार फिर से सीएम धामे को, क्योंकि ये देखिए इतिहास यहाँ पर रचा गया है बीजेपी द्वारा। सबसे पहले तो इतिहास रचा गया बीजेपी कांग्रेस और उसके बाद फिर से एक बार बीजेपी, और अब एक बार फिर से धामे को एक बार फिर से सीएम का चेहरा का ऐलान कर दिया है और कल वो एक बार फिर से शपथ लेने वाला है, दूसरा कार्यकाल उनका ये शुरू होने वाला है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं और कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं ऐसे चेहरे? लास्ट टाइम जब डिबेट था तो मैंने आपको बताया था कि सीएम धामी को जो है सीएम बनाना, ये इनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इन्होंने पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितने भी जो सेंट्रल के जो है बड़े लीडर हैं बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप हैं, इन्होंने पहले ही ये मतलब डिसाइड कर लिया था कि धामी जो है, पुष्कर सिंह धामी जो है, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब वो हारना, उनका हारना एक अलग इशू है ना, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो है इसमें कि इतनी सारी सीटें 47-48 सीटें जो है बीजेपी लाई, तो चाहे वो भले ही हमें मालूम है वो कोई धामी के कारण या कोई बीजेपी के लोकल स्टेट लीडर्स के कारण नहीं आई है, तो मोदी की जो है क्या कहते हैं पॉलिसीज से इंप्रेस्ड होकर के और उसका जो फायदा हुआ ऑन ग्राउंड जो हुआ उससे लोगों ने वोट दिया। तो लेकिन अब जहाँ तक सीएम के द्वारा जो है रिनोमिनेशन वाली बात है, तो उसमें इनका इनको जो मतलब बनाना ये जो है एक बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर हम धामी को अगर सीएम नहीं बनाते हैं तो इससे गलत मैसेज आएगा ऑलरेडी, क्योंकि जो जो आमतौर पर जो है उत्तराखंड से बाहर या इवन विद इन उत्तराखंड में ये मैसेज हो गया था कि यार ये तो सीएम के बाद जो है सीएम बदलते जा रहे हैं, तो अगर ये इस बार सीएम को बदल देते सिर्फ इसलिए कि पुष्कर सिंह धामी जो है चुनाव हार चुके हैं, तो इससे गलत मैसेज आता। तो ओवरऑल इनकी जो भी मीटिंग्स हुई जो है कि कितने भी इसके क्लाइमेंट्स रहे कि भाई ये सीएम बनेंगे, वो बहुत लोग आए, कुछ लोगों ने कहा कि वॉमन फैक्टर के कारण मोदी की जो पॉलिसी है उसमें जो है जो वॉमन जो थी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, वो सब है और भी जो है मतलब चाहिए कि जिसके कारण की जो मोदी की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो प्लान जो थे और स्कीम थे उनका लोगों को जो फायदा हुआ इसलिए लोगों ने वोट दिया, ठीक है ना। लेकिन वो बात सही है, लेकिन यह है कि अब कुल मिला के जितनी भी इनकी मीटिंग थी उस मीटिंग का ओवरऑल जो एक कंक्लूजन यही निकला कि जो भी अपने आप क्लेमेंट हो सकते हैं मैं बनू ठीक है, लेकिन धामी को देना चांस देना जो है ये बीजेपी की मजबूरी है और देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है एक पॉलिटिकली जो है अक्रॉस द कंट्री जो है रॉन्ग मैसेज आएगा कि ये तो सीएम बदलते रहते हैं, ये जो फैक्टर था ये सबसे। एक बार फिर से आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, फिलहाल सवाल वही आपसे, जिस तरीके से हमारे साथ कुंवर जी लास्ट टाइम भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि धामी को ही सीएम बनाया जाएगा और ये फैसला क्योंकि बीजेपी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि उनको ज्यादा समय नहीं मिला है काम का, तो अब उनके कार्यकाल को भी देखना होगा। फिलहाल किस तरीके से आप उनके कार्यकाल को आगे देख रहे हैं और क्या 2024 क्योंकि नजदीक है उसके लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए इस बार की कैबिनेट होगी, क्या ऐसा कुछ कहा जा सकता है? कि धामी का पुनः मुख्यमंत्री बनना एक कैस्टर लीडर रहा धामी, इन्हें 6 महीने में जो करके दिखाया है कि लोगों के जहन में बैठ गया है कि धामी अच्छा काम कर रहा है। आप देखिए कि इलेक्शन में मोदी और धामी का ही नाम हुआ है, 4 साल का जो कार्यकाल था बीजेपी का या जो 2 मुख्यमंत्री हैं उनके नामों की चर्चा चुनाव में कम रही है, और उसका कारण ये रहा है कि धामी ने जो अंतिम समय में धुआंधार बैटिंग करी है वो लोगों के जहन में बैठ गया, धामी अच्छा काम कर रहा है। और रही हारने की बात, एक बार राजनाथ सिंह से जब पूछा गया
भाई आप तो मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, तो उससे ही बड़ी किरकिरी है। अंदरूनी मामला नहीं होता है किसी को चीफ मिनिस्टर बदलना, ये चीफ मिनिस्टर पर कितना खर्च आता है, जनता का पैसा होता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने इससे मंथन किया और धामी को पुनः मौका दिया। रही बात हारने की, हार जीत वही रहती है, बड़े बड़े मुझे लगता है कि हरीश रावत, खंडूरी जी सारे हारे हैं, तो हारने की बात अलग है, लेकिन ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस था वो धामी का बेटर था, इसलिए मुझे लगता है कि उनको जो चांस दिया गया। और दौड़ में भी यही थे, धामी हर इसमें और भी नेताओं के जान नाम लिया जाता था, वहाँ धामी का नाम जरूर लिया जाता था। आपने देखा होगा कि जब चीफ मिनिस्टर का सर्वे आता था तो एकदम इसका ग्राफ एकदम ऊपर चला गया धामी का, है ना, जो सर्वे होते थे उसमें सबसे टॉप में धामी था, जबकि उनका कार्यकाल 6 महीने का रहा, सिर्फ 6 महीने 7 महीने का रहा है। तो मुझे लगता है कि धामी ने जितना जिस तरह के काम किया है पहाड़ में और कम समय में, तो उससे लग गया था कि इसको ही पुनः, और कई हमारे वक्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, वो जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस संभावना दर्ज करी कि इनको चांस दिया जा सकता है। रही हारने की बात, हर चीज को लगा रहता है, जब इनके परफॉर्मेंस पे ही चुनाव लड़ा गया है, इनको और मोदी जी के, अधिकतर तो मोदी जी के फेस पे लोगों ने वोट किया है। इसका बड़ा कारण ये था कि जो भी सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीमें हैं, जैसे ऑनलाइन खातों में पैसा आना, इसका बड़ा एक बड़ा फर्क पड़ा कि यार सीधा पैसा बीच में कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा कारण रहा है। और मंत्रिमंडल में कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे, हमें लगता है कि परफॉर्मेंस बेस होगा। इसमें भी जो पुराने मंत्री हैं वो भी मुझे लगता है कि जिस तरह इन्होंने ये काम कर रहे हैं वो भी ड्रॉप होंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कौन से मंत्री की परफॉर्मेंस कैसी रही है। मुझे लगता है कि इस आधार पर भी आकलन होगा। और चूंकि इस समय बीजेपी को महिलाओं का बहुत जबरदस्त समर्थन रहा है पूरे उत्तराखंड में, तो जो महिलाओं में भी लगता है कि पहले एक मंत्री थी, हो सकता है कि एक मंत्री और बढ़े, और तीन तो ऐसे ही पोस्टें खाली हैं, जो कांग्रेस में चले गए, एक हार गए हरक सिंह और अपने मारे जी, ये तो कांग्रेस में चले गए, तो तीन ऑलरेडी खाली हैं, जो पहले से खाली थे। तो मुझे लगता है कि नए चेहरे आएंगे और उन पर विचार होगा कि अच्छे परफॉर्मेंस वाले का, और एक आध ड्रॉप भी होगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, मुझे लगता है कि वो ड्रॉप होंगे या होने चाहिए। तो ये 24 के जो एक्सरसाइज है उसके लिए भी उसको भी देख के निर्णय लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो भी मंत्रिमंडल बनेगा वो काम के आधार पर ही एक हो दिया जाएगा, तो उसमें नए चेहरे जो होंगे उनकी, क्योंकि बीजेपी का तो बाकायदा एक अपना नेटवर्क है, उसमें आरएसएस की रिपोर्टिंग जाती है और नेताओं की जाती है, तो मुझे लगता है जिसको सेलेक्ट करेंगे वो ऐसे लोग होंगे जो ठीक से काम कर सकें। और मुझे लगता है कि जो पुराना मंत्रिमंडल के लोग हैं उसमें एक आध मंत्री जरूर मुझे जो लगता है कि ड्रॉप होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही है। तो ये है, और उम्मीद करते हैं कि ये पहाड़ के हित में होगा। और मुझे 5 साल लगता है कि धामी 5 साल तक पूरी बैटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 6 महीने की है, और उनके साथ ठीक टीम रहेगी, और 24 का भी एक टारगेट रहेगा जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसके, उसको देख के भी मंत्रिमंडल का गठन होगा, ताकि फिर 5 सीटें पुनः बीजेपी चाहेगी कि हमारे खाते में आए। ठीक है रावत जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चौहान साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी पिछले 5 साल में हालांकि 3 सीएम बदले उत्तराखंड में बीजेपी ने, लेकिन लास्ट के जो 6 महीने रहे उसमें पुष्कर सिंह धामी ने काफी अच्छा काम भी किया और सभी उनकी सराहना भी करते हैं। अब एक बार फिर से उनको सीएम बनाया जा रहा है, ऐसा कौन सा काम है जो आपको समय की कमी के चलते उत्तराखंड में नहीं कर पाए, और अब जैसे ही सरकार बनेगी, कैबिनेट एक बार फिर से बनेगी, तो उसकी शुरुआत होगी? सीएम 3 नहीं बदले, सीएम 3 बनाए हैं, तीसरे तो अभी हमारे स्थापित हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि भाई हम क्या काम करेंगे, जनता ने हमें अपार जन समर्थन दिया है और उनकी बड़ी आशाएं हैं, जो हमने संकल्प लिए हैं दृष्टि पत्र में, जो हमने वादे किए हैं उनको हम धरातल पर उतारना चाहेंगे। दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन की बहुत ही अलग अलग स्थल है, उन पर अब ज्यादा फोकस करेंगे। होम स्टे जैसी योजनाएं हैं और सड़कों का हम जाल जिस प्रकार से बिछा रहे हैं उसको तीव्र गति से और करेंगे, चार धामों को हम और सुदृढ़ करेंगे,
और दूसरा जैसे ओली विश्व विश्व का सबसे सुंदर स्थानों में स्थान रखता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक बस जा सके, जिससे कि यहाँ के लोगों का पलायन रुके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आजकल आप देखते होंगे ऑल वेदर की जितनी रोड है उसके किनारे ढाबे खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, और वो सभी पहाड़ के या लोकल लोग हैं या उत्तराखंड के जनमानस है जिन्होंने ये रेस्टोरेंट या ढाबे खोले हैं। वो खुद तो अपना आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो ही रहे हैं, खासकर वहाँ के लोगों को भी आर्थिक दिशा से जोड़ रहे हैं। तो एक पलायन रोकने के लिए एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। दूसरा, हमने जो इस प्रकार से मुख्यमंत्री स्वरोजगार के अंदर विभिन्न तरह की योजनाएं लाई है, जिससे कि हमारा अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो गांव में निर्वासित है, दूर दराज क्षेत्रों में रह रहा है, उस तक उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उस दिशा में और तेजी से कार्य करेंगे। दूसरा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी आते हैं, उनका इस उत्तराखंड से याद, उनकी आध्यात्मिक भूमि तो है ही है, दूसरा इनको उत्तराखंड से बहुत स्नेह और विशेष लगाव है। तो दूसरा उनका क्या है कि यहाँ पर जब भी वो रैली करते हैं तो वो कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यहाँ पे काम आना चाहिए। उस दृष्टि से उनका जो विजन है उत्तराखंड के प्रति, उसको धरातल पे लाने के लिए हम एक अलग दिशा में कार्य करेंगे, और जनमानस की जो हम तक जो आवाज या विचार जो पहुंचेंगे उसको भी धरातल पे लाने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ पर औद्योगिक रूप से उत्तराखंड कितना मजबूत हो सकता है और देश की प्रथम पंक्ति में कैसे प्रथम पंक्ति के राज्यों में आ सकता है, यहाँ का पानी कैसे यूज हो सकता है, यहाँ की जवानी कैसे यूज हो सकती है, यहाँ की नारी शक्ति को कैसे मजबूती मिल सकती है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बुजुर्गों का सम्मान किस प्रकार से हो, उनकी जनआकांक्षाएं कैसे पूरे हो, परिवहन की किस व्यवस्था हो, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया कितना यहाँ और आना चाहिए, और जिस प्रकार से हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाले राज्यों में है उसको हम किस प्रकार से आर्थिक रूप से जोड़ सकते हैं, इन तमाम विषयों पर हम कार्य करने वाले हैं। और जो भी हमें कार्य जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र से आएगी उसको धरातल पर उतारना हमारे लिए एक चुनौती के रूप में काम होगा और उसको हम करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां पर कैबिनेट को लेकर लगातार विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है और कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे इस पर लगातार पार्टी में मंथन है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। बात अगर करें जिस तरीके से खुद चौहान साहब ने कहा कि उत्तराखंड में सड़कें बनाने का काम किया गया है, नितिन गडकरी ने जो काम किया, हाईवे जो बनाए वो बहुत अच्छी बात है, वहां पर ढाबे खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, उनके काम की सराहना भी हो रही है। लेकिन अगर जरा उत्तराखंड के अंदर जाकर देखें तो सड़कों की और कनेक्टिविटी की कहीं ना कहीं समस्या उत्तराखंड में है। मैं आपको बताऊं ना कि धामी को तो प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो विधि में कपल ऑफ मंथ जो है कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ टीचरों की आपने सैलरी बढ़ा दी 15 से 25 हजार कर दिया, ये कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। ये इसका क्रेडिट जो चुनाव का जो क्रेडिट है दैट गोज एक्सक्लूसिवली टू मोदी, सिर्फ मोदी को जाता है, उनकी पॉलिसी को, उज्ज्वला स्कीम, घर घर में जो है लोगों के औरतों के घर में जो बेचारी गाँव में जो है धुएं के चूल्हे में जो है उनकी आंखें खराब हो जाती है, वहाँ किसने पहुँचा है, ये जो है LPG किसने पहुँचा है, राशन कोविड में जो है बेचारे भूखे मर रहे थे, लेकिन देहरादून सिटी में मैंने खुद देखा और उनको बराबर राशन मिला। ये जो सेंट्रल स्कीम की जो पॉलिसीज थी उनमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ये जो है हॉस्पिटल में जाके जो ये किया, ये जो स्कीम से इंट्रोड्यूस की गई अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मोदी ने, और मोदी ने इंश्योर करवाया कि ये हर स्टेट में जो है प्रॉपरली ऑन द ग्राउंड जो है एनफोर्स हो, और वो हुई और उसका इफेक्ट बहुत तगड़ा था। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा होगा और बीजेपी इतनी सीटें लाएगी, ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के बड़े नेताओं को बहुत बड़ा सरप्राइज था। अगर उनको ये सरप्राइज नहीं होता तो वहां से ऑब्जर्वर क्यों लाते हैं आप बताइए। जिसमें चल रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत स्टिफ फाइट है, तो उसमें आपने से दो ऑब्जर्वर आए थे, वो किसलिए आए थे, वो इसलिए आए थे कि जरूरत पड़ी तो पॉचिंग करवाने की नौबत आएगी, क्योंकि इनको लगा कि शायद 2012 वाला या उससे भी खराब स्थिति आ सकती है, दे आर नॉट श्योर दैट दे विल विन विद सच ए ह्यूज मार्जिन, वो इसलिए विन। लेकिन जब उन्होंने देखा यार ये तो ये यूपी में और उत्तराखंड में लगवा एक ट्रेंड रहा, यूपी में सिंपली ये रहा कि यूपी में जो है मोदी जी ने जो क्या कहते हैं योगी जो है ग्राउंड लेवल पे जो है हर सेंट्रल स्कीम को जो है प्रॉपर तरीके से जो है
आर्मी को तो इसलिए बनाया क्योंकि ये सेंट्रल लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा शर्म वाली बात थी उनको एक दिखाने के लिए कि यार तो हर बार जो है दो दो तीन महीने में सीएम बदलते हैं इसलिए इसको न बदले ये क्योंकि इससे इमेज सेंटर की बनी उत्तराखंड का कुछ नहीं हुआ उसमें और उन्हें मालूम था किस ढंग से चलना है और लेकिन उन्हें ये जो बेनिफिट दिया हुआ है ये सिर्फ सेंटर के कारण बना हुआ है यहाँ कुछ नहीं हुआ है यहाँ तो आप जैसे इनको चांस मिल गया ये अच्छी बात है लेकिन इनको प्रूव करना पड़ेगा और यही नहीं लास्ट टाइम में जहाँ तक मैं मुझे मालूम है और मेरे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है लास्ट जो है डेज में या कुछ मंथ बाकी थे उसमें कुछ जो करप्ट मिनिस्टर्स थे आई डोंट वांट नेम देम उनके ऊपर भी ये कुछ बहुत ढीले पड़ गए थे ठीक है ना तो वो जो चीजें हैं वो उस टाइप के मंत्रियों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको जो इंडेक्स ना करें कैबिनेट में आप जो है यंगर फेसेस को दें जो एनर्जेटिक हैं जो अच्छे हैं सही है दो तीन मिनिस्टर्स जो है बहुत करप्ट कर रहे थे मुझे मालूम है डेफिनेटली है और उनके ऊपर आप ढीले पड़ गए क्यों पड़े भाई ढीले तो ये जो चीज है जो आम आदमी को तो पता नहीं है लेकिन जर्नलिस्ट को तो सब दिखाई देता है ना तो ये जो चीजें हैं ये गलत हुआ और मोदी क्या कहते हैं और ज्यादा था इसका असर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी था वहां भी थारू फैक्टर जो है बहुत तेजी से काम किया क्यों आप ये बताओ कि खटीमा और क्या कहते हैं इसके जो बगल वाली सीट है ये जो दोनों कांग्रेस की क्यों हुई तो वो चीज है जो था ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ लेकिन अब ये टाइम है कि इनको एक चांस मिला है एंड इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यस हमारी स्टेट गवर्नमेंट खुद काम करती क्योंकि चार साल तक तो आपको मालूम है फिर फेसबुक पे उस पे सब जगह जो है बीजेपी को गालियां पड़ती थी एंटी इनकम्बेंसी इतना डीपर पड़ गया हो गया था बहुत ज्यादा और मोदी की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पॉलिसी थी उनके कारण ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो इफेक्ट था वो जो है रिड्यूस हो गया बहुत ज्यादा रिफ्यूज हो गया बिल्कुल और इसीलिए इतनी सारी सीटें आई तो ये यहाँ के जो लीडर हैं बीजेपी के उनको इस चीज का हैरानी उनको ये बहुत हैरानी कि यार ये कैसे हुआ वो तो हवा में उड़ रहे थे तो इसलिए ये अच्छी बात है कि मोदी क्या कहते हैं धामी जी को बनाए और उन्होंने अभी तक उनसे कोई करप्शन का कोई चार्ज नहीं कोई कुछ नहीं है बट ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर जो अभी आएंगे हमारे उनको प्रूव करना पड़ेगा कि रोड की हालत आप देखिए सिटी में भी जो है रोड में अगर जो है आप ये बताइए गडकरी जी ने अगर NH बनाए हैं है, नेशनल हाईवे बनाए हैं पेरिफेरल हाईवे बनाए हैं अगर आपको गुड़गांव जाना है तो यू नीड नॉट गो टू दिल्ली आप इतने बढ़िया पेरिफेरल वे बने हैं कि आप डायरेक्ट जो गुड़गांव पहुंचते हैं फरीदाबाद मेरा घर फरीदाबाद में है फरीदाबाद जाने के लिए आपको कुछ नहीं आप डायरेक्ट जो है मुरादनगर के और वहां से डायरेक्ट विद इन एन आवर लेस देन आवर में आप वहां पहुंच गए तो ये तो इसकी तो सारा जो फायदा है वो तो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन इन्होंने यहाँ आप ये बताइए कि विद इन सिटी क्या हुआ है कोई वर्क हुआ है पैचिंग वर्क भी नहीं हुआ है कोई रोड नहीं बनी अभी भी गड्ढे हैं अभी भी कुछ है तो ये प्रूफ है कि इनके जितने भी सीएम हैं इनके जो इसलिए तो बदला गया उनको किसी ने जो है यहाँ के डेवलपमेंट पे काम नहीं किया है ना और लास्ट में जो है धामी जी को पास धामी को टाइम नहीं मिला उसके बाद बहुत कम टाइम था तो जो भी है लेकिन यह कि इनको अब प्रूव करना पड़ेगा यस आई एम द वन हु रियली वर्क तो मैं रियली जो काम करने वाला चीज हूँ इसकी जरूरत है सड़कों के साथ साथ खनन का मुद्दा बहुत ज्यादा उत्तराखंड में कह सकते हैं कि गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर तो अभी तक कहीं कुछ खास काम हुआ नहीं है दिखते नहीं बनता है कुछ खास काम खनन का मुद्दा तो ठीक है खनन है होगा लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है पहाड़ में पलायन का है बिल्कुल बेरोजगारी का है और जिसकी बात कर रहे हैं कि हर भाषण में प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी तो पहाड़ के काम आए तो मुझे तो लगता है कि 5 साल में कुछ ऐसा काम हुआ हो कि पहाड़ की जवानी भी रुके और पानी भी रुके वो सब उसी गति से चल रहा है दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय पहाड़ के जितने कॉलेजेज हैं जितने भी लड़के हैं हाथ में MA का सर्टिफिकेट लेके उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है वो बेचारे सब घूमते रहते हैं हमने अभी तक सरकारों ने उसके कोई 5,000 की व्यवस्था नहीं की कि पढ़ा लिखा लड़का अपने गांव में 5,000 का रोजगार उसको मिल जाए अगर गांव में उसके 5,000 की इनकम होती है तो करीब 20,000 के बराबर होते हैं घर फ्री है उसके खेत या थोड़ा खेतों में भी कर लेगा उसकी भी
चलिए, संपर्क शायद उनसे टूट गया है, एक बार फिर से रावत साहब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चौहान साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पलायन का जिक्र किया रावत साहब ने, और वाकई पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ से आप ये समझिए कि बच्चे जो है वो निकलते हैं और उसके बाद वापस आने की उनकी कोई उम्मीद नहीं रहती है। अब बीजेपी सरकार अगले 5 साल आपको एक बार फिर से जनता ने दिए हैं पलायन को रोकने के लिए, और सिर्फ रोकने के लिए नहीं, जो लोग, जो बच्चे, जो युवा यहाँ से चले गए हैं उनको वापस वो उत्तराखंड की तरफ रुख कर सके, उसके लिए क्या प्लान है बीजेपी के पास? मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा, पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनके जवाब देना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि एलपीजी गैस उत्तराखंड में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, डीएस कुंवर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है। प्रत्येक गाँव का घर आज वहां पर उज्ज्वला योजना और दूसरी योजनाओं से उनके घर में गैस के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। अब इन सब चीजों को अगर देखना है तो धरातल पे पहले जाना होगा, जिस प्रकार प्रकाश को देखने के लिए उसकी आंखों को खोलना होता है। दूसरा, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज प्रत्येक गांव जुड़ रहा है। जब उत्तराखंड बना था तो 3% केवल मात्र यहां पर सड़कें थी, आज आप देखेंगे प्रत्येक गांव जुड़ रहा है। मैं एक सड़क का उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जो ये चक्राता विधानसभा की बात करना चाहूंगा, वहां पर पूरे भारत में ऐतिहासिक एक रोड बनी है, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के अंतर्गत 43 किलोमीटर की रोड बनी है। अब ये बिरला उदाहरण है, वो उत्तराखंड में मिलेगा, और वो किसके शासन काल में हुआ? हमारे शासन काल में हुआ, पिछले 5 सालों में। दूसरा, इन्होंने बात करी मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में 3 कॉलेज है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। ये सब देखने के लिए धरातल पर जाना पड़ेगा। और केंद्र की सहायता से हमको एम्स का कॉलेज सैटेलाइट एम्स मिला है। पहले हमें एम्स मिला था, वो भी हमारी सरकार में आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, उनकी सहायता से हमें सैटेलाइट एम्स आया है। दूसरा, अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमने जो पहले गरीब तबका होता था, जो चिकित्सा व्यवस्था से वंचित रह जाता था, उसको आज हमने अटल आयुष्मान योजना से जोड़ा है। आज उसको अपनी जमीन या अपनी पत्नी के गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं, आज वो अपना आयुष्मान कार्ड ले जाता है और अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर वो अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाता है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि नौकरियां यहाँ बिल्कुल नहीं लगी। हमारे उस समय के जो संसदीय कार्य मंत्री थे मदन कौशिक जी ने संसद के पटल पर रखा कि हमने अनेकों रोजगार सृजन किए। दूसरा, हमने प्रेस वार्ता करके यहाँ पर सुबोध उनियाल जी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी दिया था कि हमने कितने रोजगार उत्पन्न करे। उस समय ये हरीश रावत जी, इनके कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी ने 300 लोगों को रोजगार दिया है तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, और हमने हजारों नौकरियों का उनको मीडिया के सामने रखा कि हमने इतनी योजनाओं को कार्य किया, इतनी योजना और मैं उन लोगों को जोड़ा है, तो उन्होंने उस समय की हमारी बात को माना। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड का प्लान कैसे रुकेगा, हमारी ही सरकार में प्लान आयोग बना है और आपने देखा होगा कि उसका मुख्यालय बन गया है। दूसरा, प्लान कैसे रुकेगा उसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण दे सकता हूँ। जो ये चार धाम की रोड, इतनी बढ़िया ऑल वेदर रोडें बन रही है, जहाँ ढाबे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, वहां पर जो पर्यटन के साधन जुड़ रहे हैं, तो ये सब कारक उस प्लान को रोकने के कारक ही है। अगर हमें कहीं और से अच्छे कारक मिलते हैं कि भाई इस तरीके कार्य करना चाहिए, प्लान रोकने के, हम करेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम कार्य कर रहे हैं। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, हमने अनेक उद्योगपतियों को यहाँ पर बुलाया और उनसे कहा कि उत्तराखंड में आइए, उत्तराखंड में बहुत से स्कोप है यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाने के लिए, और हम उस प्रकार का आपका वातावरण देंगे, और हम उस प्रकार का वातावरण बना भी रहे हैं। अगर किसी को ये नहीं दिखता है तो उसके लिए मैं उनको दोषी मानता हूँ, उनको जानना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है कुंवर जी, आपके सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कहा कि अगर आपको देखना है, दोषी सरकार को बता रहे हैं, तो उससे पहले आपको जानना होगा, धरातल पर जाकर देखना होगा। लेकिन पलायन का मसला तो सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का मसला। दूसरी तरफ जिस तरीके से चौहान साहब आपने ये बात कही, 3-3 मेडिकल कॉलेज आपने गिनवाए, जब भी यूक्रेन का भी मसला चला था, वहां से छात्रों को लेकर आया जा रहा था, मेरे साथ उत्तराखंड के एक जो स्थानीय निवासी थे वो जुड़े, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, सरकार ने हमें इतना जागरूक ही नहीं किया कि उत्तराखंड में भी ऐसे मेडिकल कॉलेज है जो हम अपने बच्चों को वहां लगा दें। कुंवर जी देखो, सरकार के अगर कार्य देखने हैं तो थोड़ा साहब आपके पास मैं लौटूंगी। मेडिकल कॉलेज, कुंवर जी, मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर ही है, वो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बना रही है। ये गलतफहमी जो है, इन लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी मेडिकल कॉलेज जो आपके लिए, इवन एम्स बन रहे हैं, एम्स किसके अंदर है, ये जो
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और जितने भी आपके मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं ये भी उसी का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसी में बन रहे हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को जो अपना काम करना चाहिए था उसके कितना काम हुआ है ये करें, जैसे यूपी में हुआ है, आप कंपेरिट करो। मैं यूपी और उत्तराखंड का पॉलिटिकल एडिटर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ यूपी और उत्तराखंड का मैं पॉलिटिकल एडिटर रहा हूँ, मैं ढाई साल जो मैंने काम किया है इसलिए मैं यूपी को भी देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ, वहाँ जो काम हुआ है कितना काम हुआ है यूपी में मुझे ठीक पता है, योगी ने करवाया है ना। और यही कारण है कि योगी जो है वो जब सिचुएशन आई थी, जब उस समय ये आया था कि योगी जी को हटा दिया जाए क्योंकि यहाँ से यह ब्राह्मण वोटर और ओबीसी जो है शायद टूट रहा है, ये गलतफहमी थी बीजेपी की, और इसको जो उसने किया, और उसके बाद योगी ने प्रूव किया कि इतने सारा जो है मासूम उनके साथ में। लेकिन यहाँ जो हमारी जो स्टेट लीडरशिप बीजेपी उनको अभी करना है ये, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जो लोगों ने जो वोट दिया, खास करके जो वुमन जो है, जो वुमन सेगमेंट है, वुमन सेगमेंट में जो आपको मालूम बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट हुआ, तो मुझे मालूम है कि उन्होंने जो दिया है उन्होंने सिर्फ मोदी की पॉलिसी से इंप्रेस्ड होकर के उसका फायदा उठा करके जो है वो दिया। और दूसरा जो यहाँ जो वुमन जो वुमन जो सेगमेंट है उनके दिमाग में एक बात आ गया था, पता क्या है उनके दिमाग में ये आ गया था कि मोदी एक ऐसा आदमी है जिसका कि ना कोई बीवी ना बच्चे, आखिर ये किसके लिए कर रहा है, ये आम जनता के लिए कर रहा है या हमारे लिए कर रहा है, तो इससे भी बहुत इंप्रेस होंगे। तो इसलिए इन्होंने इनकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड हुआ, नूक एंड कॉर्नर में दूर दूर के लोगों का जो है वो सब हुआ होकर के। औरतों को आपने देखिए जो धुआं बेचारे गाँव में जब उनकी आंखें फूट जाती थी उनको जो है LPG दिलाया है, किसने दिलाया, तो इसका फायदा जब मोदी के नाम पर जो है सबको वोट पड़ी, बीजेपी के हर कैंडिडेट को पड़ी मोदी के नाम, लेकिन वोट भी जो है वो मोदी के नाम पर पड़ी, इंडिविजुअल कैंडिडेट के नाम पर कभी नहीं पड़ी। तो इसलिए उत्तराखंड में अभी तक जो फायदा हुआ है ये हुआ है उसका क्रेडिट जो है सेंट्रल लीडरशिप को जाता है, बीजेपी को, खासकर मोदी को जाता है, किसी को दया नहीं। अगर ये बीजेपी की स्टेट बीजेपी लीडरशिप जो कि हमने सीटें अगर ये कहते हैं तो ये गलत नहीं है, ऐसे कहते ही नहीं है। मैं तो इसको स्टडी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं, तो ये अपनी गलतफहमी खत्म कर दीजिएगा। और अब ये टाइम है कि ये प्रूव करें यस ये काम करने वाले लोग इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि ग्राउंड में इनफैक्ट कोई काम नहीं हुआ। आप देहरादून कैपिटल सिटी है, आप बताइए रोड क्या हालत है, आप बताइए है? अब जाकर के कहीं इवन मैंने देखा कि अब डोईवाला का जो सेगमेंट आप ज्यादा दूर में जाइए, यहाँ डिफेंस कॉलोनी के आसपास के जो इलाके हैं डोईवाला, आप देखिए क्या बने यहाँ रोड में, आप जाकर के कहीं कहीं जो है पानी की लाइनें दिखी और रोड अभी आकर के देखने जो है रोड नहीं बनी। तो इसको कहने का मतलब ये है कि ये बोलने की बात दूसरी है, नेतागिरी करना एक अलग बात है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वर्क करना और जिससे कि आदमी आम आदमी को फायदा हुआ हो ये एक अलग बात है, और ये चीज जो है बीजेपी के जो नेता हैं वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है कुंवर जी, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आप तीनों के पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रावत साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? रावत साहब आवाज आ पा रही है आपको? जी आ रही है जी। पलायन के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं कुंवर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सारा जो चुनाव लड़ा गया वो मोदी के ऊपर लड़ा गया। आप दूर दराज के, हम तो पूरे पहाड़ घूमे हैं, जो भी वहाँ का कैंडिडेट भी था वो स्टेट गवर्नमेंट के काम नहीं गिनाए। आप मुझे बताइए सारे के सारे काम, चाहे आयुष्मान हो, चाहे गैस का हो, चाहे ऑल वेदर रोड जो स्कीम्स है जी। संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चौहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तराखंड सैन्य बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर सैन्य उनकी भावनाओं का किसने सम्मान किया है? हमने किया है। हम यहाँ पर सैन्य धाम बना रहे हैं, उनके
जितने भी यहाँ के सैनिक थे, हमने सैनिक यात्रा निकाल के पढ़ते उनके घर से, सबके घर से वहां से मिट्टी लाई है और उस सैन्य धाम में स्थापित की है। तो हमने तो सैन्य धाम भी बनाया सैनिकों सैनिकों के अनुरूप। दूसरा उसके बाद कहूंगा कि यहाँ कोस्ट गार्ड सेंटर नहीं था, ये उत्तराखंड से बहुत से छात्र बहुत दूर दूर जाते थे कोस्ट गार्ड के भर्ती के लिए, हमने यहाँ पे कोस्ट गार्ड सेंटर खोला। दूसरा उसके बाद महालक्ष्मी योजना से हमने जो गर्भवती महिलाएं होती है 50,000 से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया है, आगे भी आने वाले वर्षों में उससे हम लाभान्वित करेंगे। दूसरा इस प्रदेश का दुर्भाग्य था, 21 साल होने को था इसको, यहाँ पर अपनी खेल नीति नहीं थी, हमारे खेल मंत्री ने यहाँ पर खेल नीति लाई। दूसरा अटल आदर्श विद्यालय जिसमें कि हमने CBSE कोर्स से जोड़ा है, तो यहाँ पे किसको फायदा मिलेगा, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलेगा। वैसे भी स्कूलिंग के क्षेत्र में उत्तराखंड माना जाता है, विदेशों से अभी तो देश से नहीं विदेशों से भी यहाँ पढ़ने आते हैं। दूसरा यहाँ पर जिस प्रकार से रोडों का जाल बिछा है, इसको दूसरे दल माने ना माने मगर चोरी छिपे कैमरे के पीछे ये भी बोलते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे काम किया है रोडों के क्षेत्र में, वो कभी नहीं हो सकता था, अकल्पनीय है। आप ये क्या सोच सकते हो कि अगर कांग्रेस होती तो जिस प्रकार से चार धाम और वेदर से जुड़ रहे हैं, केदारपुरी जिस प्रकार से सज रही है, एक समय था कि जब केदारखंड में आपदा आई थी तो किस प्रकार से यहाँ उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ कफन से लेके उनके लाशों तक के उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनका ऑडियो से वीडियो लीक हुआ। तो ये अगर इस प्रकार की बातें ये करते हैं, और हमने तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, कोई भी हमारे एक मंत्री या CM पे ये बता दे कि एक भी दाग है, सब बेदाग है। इसी प्रकार जनता ने हमें जब हम बेदाग निकले और उनके लिए जनहितैषी कार्य किए और जिससे उनको लाभ हुआ, इसीलिए उन्होंने हमको इस प्रकार का प्रचंड बहुमत दिया है और हम इसके प्रति उनके कर्तव्य है। और आने वाले समय में बहुमत दिया जो अगर आपने काम किया और आपको दोबारा काम करने का मौका दिया है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जो शुरुआत से लेकर उत्तराखंड जब से बना उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उसके बाद से अभी तक कुछ काम ऐसे है जो नहीं हो पाए हैं। देखो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, कितना विवाद था कि सीमाओं का जल का बंटवारे का जो इतने सालों से हल नहीं हो रहा था। माननीय मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनके नेतृत्व में उन्होंने योगी जी के साथ मैराथन बैठक करके यहाँ की जो बंटवारे में जो दिक्कतें थी उसको सारा का सारा सॉल्व कर दिया। तो ये इस प्रकार के जब कार्य होते हैं तो जनमानस को दिखते हैं और उनकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है। दूसरा अगर हम उनके अनुरूप कार्य ना करते तो इस प्रकार का हमें बहुमत नहीं मिलता। अगर ये धरातल पे हम ना होते तो हम इस प्रकार से नहीं आते सरकार में। हाँ हम इतना कहते हैं कि जिन आकांक्षाओं से हमें फिर से चुना है उस आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे, चाहे वो दूसरा। मैं कहता हूँ जब उत्तराखंड राज्य बना था केवल एक उत्तराखंड, नहीं कहना चाहूंगा जब हमारी सरकार आई थी तो 7% केवल गाँव में जल से नल पहुंचा था। हमने जल जीवन मिशन के तहत 47% से ऊपर ज्यादा जल जीवन मिशन के तहत पहुंचा चुके हैं और आने वाले 5 सालों में हम प्रत्येक घर तक जल जीवन मिशन के तहत जल पहुंचाने का, शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसमें हमें केंद्र का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और यहाँ की जो हमारी उस समय की सरकार थी और आने वाली सरकार बहुत शीघ्र ही हर किसी को जल जीवन से पूर्ण करेगी। और दूसरा मैं बता दूंगा, जब हमारी सरकार केंद्र में आई थी 18,000 गाँव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी, आज हम देख सकते होंगे कि प्रत्येक घर तक बिजली का खंभा और लाइट पहुंच चुकी है। और पहले जो हम बल्ब यूज करते थे, कांच के बल्ब यूज करते थे, उससे बहुत ज्यादा बिल आता था। मगर ये देखिए, ये बोलते हैं कि दिशा किस प्रकार लोगों की सुधारनी है, उनकी दशा को किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। तब LED बल्ब को हमने सब प्रत्येक घर को दिया, जो 400 से 400 के लगभग मिलता था वो हमने 50 से 30 रुपए में देने का कार्य किया, जिससे कि उनके बिलों में कमी आई। आपके पास तमाम कार्य गिनवाए कुंवर जी चौहान साहब ने जो उन्होंने किए, लेकिन एक गैरसैंण राजधानी नहीं दी गई है अभी तक, एक अस्थायी राजधानी के रूप में रखी है। स्थायी राजधानी उत्तराखंड को अभी तक नहीं मिली है, इतने बरस हो गए हैं उत्तराखंड को बने। मैं जिस तरीके से चौहान साहब ने अपनी तमाम बातें गिनवाई कि हमने ये किया हमने वो किया, तमाम कार्य उन्होंने गिनवा दिए, लेकिन एक स्थायी राजधानी अभी तक उत्तराखंड को नहीं मिल पाई है। 21 बरस हो गए हैं उत्तराखंड को बने को, गैरसैंण राजधानी देने की बात कही थी। कुंवर जी आवाज मिल पा रही है आपको?
कुंवर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बोलिए, आप बोलिए जी। गैरसैंण को लेकर मैं आपसे बात पूछ रही हूँ। चौहान साहब ने बिजली को लेकर कहा कि घर घर हमने बिजली पहुँचाई, घर घर पानी पहुँचाया, सड़कों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उत्तराखंड को बने को 21 बरस हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है उत्तराखंड को। हम नहीं इससे बिल्कुल इसमें भी जो है कोई रिसीपी जो होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ आप ये बताइए। अब इतने साल 22 इयर्स हो गए हैं तो परमानेंट स्टेट कैपिटल क्यों नहीं बनी सवाल ये, और इसको इसको बोल के जाओ जो है अनाउंस करना चाहिए। और अगर देहरादून ही है, देहरादून में ही रहे तो वो क्या परमानेंट कैपिटल करें? सिंपली इन्होंने बना दिया है क्या कहते हैं कि कहीं उनके डर में फियर फैक्ट्रीज हो गया कि कहीं अगर हमने देहरादून कैपिटल बना दिया परमानेंट बना दिया तो पहाड़ के लोग नाराज होंगे। नहीं, आपको जो भी करना आप कीजिएगा, और अगर आपको गैरसैंण होना है तो गैरसैंण होना क्या कहते हैं वो करें उसको करें, और जो भी अनाउंस करें तुरंत जो है इसमें कोई लिंगरिंग वाला मामला नहीं होना चाहिए। इंटरिम कैपिटल क्यों है देहरादून? इसमें भी सोचिए कौन सी गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी गवर्नमेंट आई वो अभी तक कुछ नहीं किया। तो इनको ये बिल्कुल आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनको जो है ये इंटरिम कैपिटल अभी तक जो बना रखी है इसको जो है इनको अनाउंस करना चाहिए कि नाउ देहरादून इज अ परमानेंट कैपिटल, क्योंकि या समर कैपिटल अगर होता है कुछ ना कुछ करें तो ये परमानेंट कैपिटल वाकई में एक अच्छा इशू है। और ये जो है क्यों नहीं किया, इसमें क्या 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 पॉलिटिकल हिच है, हिच क्या है इसमें सवाल यह, इसको आप परमानेंट कैपिटल जो है कर दो और वहाँ उसी ढंग से जो है जो है जितने जो फैसिलिटीज हैं वो आप जो है डेवलप कीजिए वो बनाइए। तो फैक्ट ठीक है कुंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से चर्चा हुई, क्योंकि कल 11 मंत्री जो है वो कैबिनेट में मिलने वाले हैं सीएम धामी के साथ, कार्यवाहक सीएम जो अभी है वो कल एक बार फिर से उत्तराखंड में दूसरे सीएम बन जाएंगे, दूसरा कार्यकाल उनका कल से शुरू होने जा रहा है, शपथ वो लेंगे और कल उनके साथ 11 मंत्री शपथ लेंगे। कई मुद्दे हैं जो उनके सामने इस बार चुनौती बनकर खड़े हैं, पलायन का मुद्दा है, खनन का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है और एक स्थायी राजधानी जो उत्तराखंड को अभी तक नहीं मिल पाई है, ये सबसे अहम मुद्दे हैं जो उनके सामने इस बार चुनौती बनकर खड़े हैं। अब देखना होगा कल से नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा और उस कार्यकाल में किस तरीके से सीएम थामी जो है वो अब उत्तराखंड के पिच पर बैटिंग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनपी न्यूज़।